इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश के सबसे स्वच्छ कहे जाने वाले शहर पर कोरोना की नजर लग गई है। यहाँ रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इंदौर कैसे कोरोना वायरस के लिए मुफीद बन गया। इस बारे में जब हमने बात की यहाँ के कलेक्टर मनीष सिंह से, तो उन्होंने इसके लिए हवाई जहाज से आए यात्रियों को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। मनीष सिंह की माने तो एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच में लापरवाही हुई। इतना ही नहीं, प्रशासन ने भी इस मामले में पहले काफी गलतियां की, जिसकी कीमत आज इंदौर चुका रहा है। देखिए जो हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट्स में, जो जनवरी से जो यात्री आ रहे थे, जो उसमें मैंने, क्योंकि मैं उसमें था नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या एग्जैक्ट निर्देश थे, पर मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता, तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। जहाँ जो भी ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शन थे उस समय, क्या कार्रवाई हुई थी, उसका मुझे इतना अभी क्यों समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर कि सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं, पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे, उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम से होगा ये। इंदौर में कोरोना का पहला मामला मार्च में आया था, जबकि 25 मार्च को कोरोना की वजह से शहर में पहली मौत हुई। आज 17 अप्रैल तक मौत का ये आंकड़ा 47 हो गया है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 842 तक पहुंच गई है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि शुरुआती लॉकडाउन के दौरान इंदौर में सुबह शाम की छूट दी गई, जिसकी वजह से शहर की हालत गंभीर हो गई। हालांकि शुरुआती प्रशासनिक लापरवाही के बाद राज्य के नए नवेले सीएम ने वहां के तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव को हटा दिया और तेज तर्रार माने जाने वाले मनीष सिंह को इंदौर का कलेक्टर बना दिया। मनीष सिंह ने यहां आते ही सख्ती बरतनी शुरू की और कई इलाकों को सील कर दिया, लेकिन इसके बाद भी शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम नहीं हुई। मनीष सिंह की माने तो जिनको क्वारंटाइन किया गया था, ज्यादातर पॉजिटिव मामले उन्हीं लोगों के आ रहे हैं। कलेक्टर ने ये भी कहा कि अब मामले सुधरेंगे और इंदौर वालों को राहत मिलेगी। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका एंटीबॉडी, वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के, उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टेक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। अस्पतालों में समुचित सैंपलिंग की व्यवस्था हो गई है, अस्पतालों से जो भी ऐसे केसेज आ रहे हैं वो लोग उनके सैंपलिंग होके टेस्ट में जा रहे हैं, टेस्ट की हमारी समुचित हो गई लोकल टेस्टिंग में, अब हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जल्दी। तो अब मुझे जो मैं ही बोल रहा हूँ क्यों डाउनवर्ड जाएगा, हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्याएं बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। देखिए 3 महीने तक तो है, अभी 3 महीने तो नहीं। देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें अपन ने इसको जितना भी हो सकता है, प्रकृति से लड़ तो सकते नहीं है कोई भी, पर जितने भी हर संभव प्रयास हो सकते हैं, मानव प्रयास हो सकते हैं, वो सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। सर्वे स्क्रीनिंग हम लोग पूरे शहर की कर रहे हैं, टीमें बन रही हैं, पूरे शहर ही कर लेंगे हम लोग, उससे आइडिया लग जाएगा क्या स्थिति है इसमें। पर लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, ये वक्त बतलाएगा, इसको अभी नहीं बोला जा सकता। जिस वक्त एमपी में कोरोना संकट अपने शुरुआती दौर में था, उसी वक्त तत्कालीन सीएम कमलनाथ अपनी सरकार बचाने की जुगत में थे। एक वजह ये भी थी जिसकी वजह से इंदौर पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। इंदौर से कोरोना संकट के बादल कब छटेंगे ये तो अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरह से यहाँ पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई, उससे तो इंदौर वाले हलकान जरूर हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।